मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में अपने अलग अंदाज के साथ छात्रों को पढ़ाने के कारण मशहूर हो चुके पटना के खान सर की कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है अंबेडकर हॉस्टल के करीब 20 छात्रों ने कदम कुआ के किसान कोल्ड स्टोरेज परिसर स्थित खान सर रिसर्च सेंटर और ज्ञान बिंदु जेएसएम कोचिंग सेंटर में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान उपद्रवी छात्रों ने दोनों सेंटर पर पथराव की और तोड़फोड़ भी की है और कोचिंग सेंटर के क्लास कार्यालय में घुसकर टीवी बेंच और अन्य सामग्री को भी तोड़ दिया और अपने साथ सीसीटीवी कैमरा भी उखाड़ कर ले गए। इसके विरोध में कोचिंग सेंटर के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। घटना में शामिल असामाजिक तत्वों के गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसमें करीब कई घंटों तक सड़क जाम रहा। सूचना मिलते ही कदम कुआं थाने की पुलिस पहुंच गई और आक्रोशित कोचिंग छात्रों को शांत कर यातायात बहाल की गई। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर हॉस्टल के एक छात्र को ज्ञान बिंदु जीएसएम कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने पीट दिया था। उसी बात को लेकर छात्रों ने तोड़फोड़ की। शहर के डीएसपी ने बताया कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोचिंग सेंटर की ओर से अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ लगभग 2.5 घंटे से पहुँच कर स्थिति को संभाले हुए हैं, स्थिति अभी नियंत्रण में है। हालांकि छात्र रोड जाम कर दिए हैं और छात्र भी गलती कर रहे हैं। हम लोग तो समझा रहे हैं कि जो भी तोड़फोड़ हुआ है ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान में, जो भी तोड़फोड़ हुआ है, तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना पुलिस कदम कुआं थाना सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और अपने आप में एक उदाहरण बनेगा, नज़ीर बनेगा। आप लोग विश्वास करिए प्रशासन पर, प्रशासन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। जिसने भी तोड़फोड़ किया है सभी असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या है तोड़फोड़ करने का? कारण जैसे पता चल रहा है कि कोचिंग में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के साथ कोचिंग के ही किसी शिक्षक ने शायद कोई मारपीट किया था जिसमें उसका हाथ संभवतः टूट गया है। उसी को लेकर के ये घटना घटी है जैसा कि पता चल रहा है। जिसका हाथ टूटा है वे शायद अंबेडकर छात्रावास के रहने वाले हैं और अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट झुंड में आकर के, ग्रुप में आकर के, लगभग 20 की संख्या में आकर के यहाँ पर तोड़फोड़ किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कन्फर्म्ड नहीं कर सकते लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है।